टू ट्राई देव सो हेलो गाई वेलकम टू ट्राई देव सो टुडे वी विल सी हाउ टू क्रिएट ऑटो कम्प्लीट एडिट टेक्स्ट व्यू। सो लाइक वॉट इज आंप्लीट एडिट टेक्स्ट व्यू? सो लाइक गाइज जैसे आप ई मेल नोट नेम एंड मोबाइल नंबर की फील्ड यूज़ करते हैं सेम लाइक दैट देर इज दिस इज ऑल्सो लाइक अ फील्ड वेयर यूजर के इनपुट इन डेटा और यू कैन से इनपुट सो लाइक एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे हम कभी कभी अपने रिज्यूम बिल्डर या फिर किसी भी टाइप के फॉर्म के अंदर हम अपना डेटा भरते हैं वो ऑटोमेटिक एक कंप्लीट लिस्ट हमें पॉपुलेट होती है सपोज हम कोई स्किल टाइप करें जैसे जावा टाइप करें जे ए तो ऑटोमेटिक हमें जावा वगैरह के सजेशन मिलते हैं सो तो लाइक आप इसे ऑटो सजेशन बॉक्स भी कह सकते हैं ओके सो सब सबसे पहले इसका एक डेमो देखते हैं लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिमिलेटर मैंने ओपन कर रखा है ओके तो यहाँ मैंने कंट्रीज़ का भी एक सजेशन लिया है तो मैंने सिर्फ इंडिया टाइप करूँगा तो आप देख सकते हो आई से कितनी सारी कंट्रीज आ रही हैं और जैसे जैसे मैं टाइप करता जाऊँगा ये फिल्टर होते चले जाइए और मुझे सजेशन मिल जाएगा सो so, ये बेनिफिट होता है आपका स्पेलिंग मिस्टेक के लिए या फिर यूज़र को केवल आप स्पेसिफिक डेटा फिल कराना चाहते हैं उस चीज़ के लिए सो लेट्स लेट्स सी हाउ वी विल क्रिएट इट ओके सो फर्स्ट गाइज आपको सिंपल फाइल फाइल न्यू न्यू फिल्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है फिल्टर प्रोजेक्ट करने में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रेटर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ओके बार बार क्रिएट करने से वीडियो लंबी होती है ओके सो so, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक लेप का फोल्डर मिलेगा लाइब्रेरीज़ का ओके एंड यहाँ पे आपको मिलेगी मैन डॉट डॉट ये मैंने टेस्ट का तो अलग से बना रखा है ओके तो यहाँ आपको सबसे पहले मिलेगा मेन फंक्शन जिसके अंदर आपको एक डिफॉल्ट मेथड मिलेगा रन ऐप एंड यहाँ पे मैंने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट एग्जांपल ऐप करके एक स्टेट लेस विजिट बनाया है स्टेटफुल भी बना सकते हो ओके एंड uh, यहाँ पे सुपर की ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है आपको डिटेल में अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि फ्लैटल का स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजिट के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए ओके एंड देन यहाँ पे मटेरियल ऐप मैंने क्रिएट किया है एंड होम स्कैन फोल्ड फॉर हैडर आप देख सकते हो ऐप बार के अंदर मैंने ऑटो ऑटोकम्प्लीट बेसिक लिख रखा है देन उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर सेंटर कंटेनर एंड मैंने मार्जिन दिया है ऑल साइड से एंड देन ऑटो ऑटोकम्प्लीट बेसिक एग्जाम्पल यहाँ मैंने इसको स्पेशली अलग से क्रिएट किया है ओके सो यहाँ पे सिंपल स्टैटिक सबसे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है आप देख सकते हो स्ट्रिंग की लिस्ट है जहाँ पे मैंने कंट्रीज ऐड की है आप यहाँ पे एक काम कीजिए जावा पाइथन जावा स्क्रिप्ट एंड डॉकर क्यूबर लाइक ये भी गाइस टेक्नोलॉजीज हैं एंड स्प्रिंग वूट फ्लटर एंड सेम यहाँ पे मैंने विजिट क्रिएट किया है आपको यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करनी है ये बाय डिफॉल्ट ऑटो कंप्लीट हमें फ्लटर ही प्रोवाइड कराता है ओके okay, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑटो कंप्लीट व्यू ऑटो कंप्लीट इनपुट को लेके या फिर आप कह लो कि प्लग है ये क्लास है एक पैकेज है आप क्लास देख सकते हो ये क्लास है जो कि एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट को ओके okay, एंड यहाँ पर आपको स्ट्रिंग पास कराना है जेनरिक्स एंड आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे दो ऑप्शन उप्ष, ऑप्शन बिल्डर एंड ऑप्शन ऑन सिलेक्टेड सो ये आपका मिल गया आपको एक टेक्स्ट रिसाइन करने के लिए एंड ये आपको मिल गया मेथड तो यहाँ पे आपको सबसे टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू लेनी है एंड टेक्स्ट एडिटिंग वैल्यू में सबसे पहले आपको चेक करना है अगर वो इक्वल टू इक्वल टू एम है एम मतलब अगर जैसे यहाँ पर ब्लैंक है तो आपको ब्लैंक में कुछ भी सजेशन नहीं देना बिकॉज ब्लैंक का कोई सजेशन नहीं होता जब यूजर कोई एंटर करेगा तभी आपको सजेशन देना है तो आप रिटर्न करा देंगे एम लिस्ट एंड नेक्स्ट आपको अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में चलाने के लिए रिटर्न के ऑप्शन डॉट वेयर स्ट्रिंग ऑप्शन ऑप्शन डॉट कंटेंस अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट वैल्यू डॉट टेक्स्ट टू लोअर केस लाइक जो भी जो भी यूजर इनपुट करेगा मैं उसे लोअर केस में कन्वर्ट करके यहाँ से रिटर्न करा दूंगा एंड रिटर्न कराने के बाद ये ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आप देख सकते हो ऑप्शन क्या है हमारे पास ये के ऑप्शंस की लिस्ट ओके एंड यहाँ पे ऑन सिलेक्टेड में कि जैसे ही यूजर सेलेक्ट कर लेगा डेटा तो हम यहाँ पे डिबक प्रिंट कर देंगे यू सेलेक्टेड वैसे ही ज़रूरी नहीं है आप इस पर एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं कि जैसे ही मैं कोई ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो हमारी स्क्रीन चेंज हो जाए या फिर हमारा डेटा प्रिंट हो जाए या हमारी ए कॉल हो जाए वो आप यहाँ पर करा सकते हैं अगर आपको ए कॉल या किसी में इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए मैं ए कॉल के ऊपर एक वीडियो बहुत ही बेसिक वीडियोज़ में क्रिएट कर दूंगा ओके तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन रन करते हैं इतना ही कॉन्फ़िगरेशन था इतना ही कोड था ज़्यादा कोई हैवी कोड नहीं है तो हमने जो स्किल टाइप करी थी अगर यहाँ पर डॉकर टाइप करता हूँ तो, तो आप देख सकते हो ईज़िली डॉकर आ गया और जो ये डिबक प्रिंट है मैं आपको ये दिखाता हूँ कहाँ प्रिंट हो रहा है ओके सॉरी रन के अंदर है एंड आप देख सकते हो जैसे मैंने डॉकर सेलेक्ट करा अब मैं यहाँ पर जावा टाइप करूंगा एंड जाबर स्क्रिप्ट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यूज अज सेलेक्टेड जाबर स्क्रिप्ट तो आप यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं ओके सो so फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक थी वीडियो इसके बारे में ऑटो तो कम्प्लीट के बारे में अगर आपको इसका डिटेल्ड वर्जन देखना है या आपको और इसमें वर्किंग करनी है या इसमें आपको मेथड पे कोई भी वर्किंग करनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं और डिटेल में बताऊंगा तो एक फील्ड और ऐड कर देते हैं इसके अंदर सब्सक्राइब ओके सो so, जस्ट मैं लिस्ट पॉपुलेट करूंगा एंड यू कैन सी सब्सक्राइब ऑप्शन भी आ गया सो जू यू जस्ट सेलेक्टेड सब्सक्राइब सो एज लाइक डैट वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एंड फ्रेंड्स आप कोई भी टॉपिक इसमें ऐड कर सकते हैं फ्लटर के रिगार्डिंग एंड्रॉड के रिगार्डिंग आई के रिगार्डिंग सो so आप ऐड कीजिए एंड देन मैं उसके ऊपर आपके लिए वेरी इजिली एंड वेरी फास्ट वीडियो बनाऊँगा ओके okay? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय